अच्छा ओके दिस इज हाउ पीपल ट्रीट लाइक दिस इज हाउ इफ आई एम एवर गोइंग टू शेयर समथिंग सो पर्सनल व्हिच आई डिड लेटर ऑन माय लाइफ टू एंड आई सफर्ड अगेन उस टाइम पे मुझे लर्न कर लेना चाहिए था कि अच्छा नेवर शेयर एनीथिंग टू पर्सनल बट वो तो चलो मेरी मजबूरी थी कि आई हैड टू टेल हिम मुझे सिर्फ ये था कि मतलब लाइक like, अगर मुझे आइडिया ही नहीं था कि लोग इस तरह भी ट्रीट कर hmm. सकते हैं कि आप uh, किसी को अपनी कोई uh, ऐसी चीज बताओ आगे से आपका मजाक मजाक hmm. भी नहीं

से आपके डिप्रेशन डिप्रेशन का वो uh, ट्रिगर, ट्रिगर हुआ, हाँ. um, uh, फिर जब अम्मा कि अच्छा मेरी, मेरी बर्थ hmm. so, हर हाँ. so अम्मा, अम्मा बोलती थी या हाँ. तो अगर मैं ज्यादा कभी वो होती थी yeah. uh, you know, बहुत अच्छे मूड में तो कहती थी मॉम तो अम्मी कहती थी हां मैं तुम्हारी अम्मा हूं ठीक है ना वर्क एट अ कॉल सेंटर तो hmm. वहाँ पे मुझे जरा मैं अंग्रेजी अभी जरा hmm. लर्न कर रही थी तो मैं मम शुरू हुई तो मैं कहती कहीं और जाके करना मैं तुम्हारी ठीक है ना और बाबा को बाबा okay. या अब्बा जी या अम्मा जी सुना हाँ मेरे घर में यही यही बचपन से बुलाते हैं और मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उनको बाजी अक्सर मेरे अब्बा जी मेरी बहन को बाजी करके बुलाते हैं कि बाजी के पास जाओ बाजी को बताओगा लाइक और भाई को भाई

Yeah. वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ हुआ एंड देन मैं डॉक्टर सेट कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये हो किस किस तरह गया है लाइक हाउ हा दैट हैपन मुझे इतनी यंग एज में कैसे हो गया है तो उन्होंने कहा कि यो मदर पास टू हुए आई नेवर क्राइड मम पास टू हुए ठीक है मैं कभी अम्मा जी के जाने पर इतना रोई नहीं उस दिन नहीं रोई hmm. जब वो गई और उसके कुछ टाइम बाद तक भी मैं चुप रही बिकॉज hmm. uh, मैं अम्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज थी लाइक like, hmm. मैं उनके साथ सोती थी ज़्यादा so, hmm. क्लोज क्या हो सकता है yeah. मैं उनके साथ सोती थी yeah. आ, बस एंड के डेज पे मैं नहीं सोती थी क्योंकि तब बिकॉज मैं सिस्टर इज़ अ डॉक्टर तो वो रात को अगर उनको कुछ भी इमरजेंसी yeah. हो जाती थी तो बाजी फ़ौरन yeah. बाजी का वहाँ पे होना जरूरी होता था yeah. लेकिन मैं सारी जिंदगी अम्मी के साथ सोई हूँ yeah. और अम्मी के साथ ही बातें की हैं अम्मी के साथ ही मूवीज़ देखी हैं बैठ के अम्मी ने अम्मी की वजह से आई स्टार्टेड म्यूजिक क्योंकि अम्मी को अंग्रेजी गानों का शौक बहुत था

बिकॉज आई लव पुटेट आलू बहुत पसंद है तो क्या बोलते थी? तो मेरी फ्राइज बनाती थी ओ, ना? फ्रेश, फ्रेश, फ्रेश वाले, हाँ. और साथ पीछे म्यूजिक ऑन था था। करती थी और मेरे लिए फ्राइज बनाती मुझे कहती थी सोफा पे बैठ जाओ यहाँ से निकलना ठीक है ना अब मेरा विजन मेरी अम्मा की तरफ होता था और वो पीछे से मुझे नजर आ रही होती थी डां लाइक चीज ग्रूविंग इज पस्टिक मूव्स और मामा मियाँ पर डांस कर रही हैं तो hmm. मुझे वहाँ से थोड़ा uh, hmm. थोड़ा नहीं बल्कि वहीं से मुझे, मुझे मिला एंड देन सारी इंस्पिरेशन मुझे इजाज़त भी मेरी अम्मा ने दलवाई थी अब्बा ने नहीं दी थी hmm. अबा जी की आवाज़ खूबसूरत तरीन है मेरे hmm. इतनी खूबसूरत आवाज़ है उनकी कि मतलब मैं खुद अकेले में अब उनके साथ बैठ के उनको सुनती हूँ गुनगुनाते हैं आपके साथ जैम करते हैं आप दोनों मैं तो उनको जब, <laughs> जब वो जब वो मुझे हाँ मैं तो समझती हूँ कि इट्स एन ऑन ऑफ मी जब वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है आज मैं भी ठीक wow, okay. है ना तो uh, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है लाइक वीडियो I I would love to, but I think वो कभी नहीं करेंगे वो कभी नहीं करेंगे वो कहेंगे बेटा ये आप आप लोग मैं मैं कहाँ सो मेरा अबा जी ही व ही रिटायर्ड नाउ बट ही वॉज साइंटिस्ट ही वॉज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेकिंग फॉर्म्यूल फॉर ह्यूज कंपनीज दैट आई कैन नेम ऑब्वियसली बट फिर उन्होंने रिटायरमेंट टेली एंड देन टू स्पेंड टाइम विद द किड्स वो सारा टाइम गल्फ में रहे लाइक ही बेरली वाज देयर बट हां अम्मा की डेथ पे नहीं रोई नहीं रोई बिल्कुल भी नहीं रोई बिकॉज आई वाज वरिड अबाउट माय अदर सिब्लिंग्स

कि हम रियलाइज़ करते थे कि यार अम्मा ने कभी पता भी नहीं लगने दिया कि ये किया है सी लाइक जस्ट टेक मी एज एन एग्जाम्पल लाइक मेरे अब्बा ने कहा कि नहीं गाना नहीं, नहीं। गाना लाइक like, बिल्कुल भी नहीं गाना ओके okay. अम्मी ने कहा अम्मी ने पीछे किया जो भी किया मुझे तो लगा कि अच्छा ठीक है अब मैं कभी नहीं गा नहीं, नहीं सकती अच्छा मैं मुझे गाना अलाउ नहीं है अम्मी ने पीछे स्टैंड किया अम्मी ने कहा मैंने सुना है सर आप लोगों ने नहीं सुना मुझे पता है आप लोगों ने नहीं सुना बट मैंने सुना एक ट्राई देने में क्या है ट्राई देने में क्या है हम लोग तो यही है ना तो ट्राई दिया इन द आउट फॉर मी सो so, um, अम्मी के जाने के बाद मैं रोई नहीं एंड देन मैं डॉक्टर टोल्ड मी कि बिकॉज यू जस्ट बॉटल्ड अप ऑल दीज इमोशंस इन साइड ऑफ यू तो uh, when you're bottling बॉटलिंग अप सो मैनी and you're यूर नॉट वेंटिंग टू एनी बडी बिकॉज मैं अपनी फैमिली से भी वेंट नहीं करती थी क्योंकि okay. मैं किसी पे बर्डन नहीं मुझे उनको टेंशन नहीं देनी mm. आज भी मैं यही करती हूँ अगर मुझे कोई बहुत यू नो इफ आई एम गोइंग थ्रू रियली टफ टाइम तो मैं उनको टेंशन नहीं देती थी बट आई थिंक दे नो मी सो वेल नाउ कि मैं अगर आके बैठूँ भी तो उनको समझ आ जाती है समथिंग्स आप यू नो दे नो मी सो वेल तो या आई थिंक uh, उन्होंने कहा कि तो ये जो आपको आर्थराइटिस हुआ है वो ट्रिगर आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी जीन्स में तो था बट ट्रिगर बिकॉज इट गॉट ट्रिग बिकॉज यू नेवर वेंट ऑब्वियसली एंड इट टर्न इन टू यूजली डिप्रेशन एंड स्ट्रेस टर्न इन अ डिजीज अ कंडीशन लाइक लोग इस बात को सीरियस लेते ही नहीं है कि यार डिप्रेशन ही तो एक्चुअली आपको बीमारियों की तरफ ले जाता है बड़ी बड़ी बीमारियाँ मेरी अम्मी ने कभी सिगरेट नहीं पी कभी शीशा तक नहीं पी उनको तो पता भी नहीं था शीशा क्या है और कभी कुछ और नहीं किया शी डायर ऑफ कैंसर लाइक उनको कैंसर हो गया एंड देन शी डाइट बिकॉज ऑफ विट सो और उनका प्रॉब्लम क्या था शेयर नहीं करती थी तो कि क्या हो रहा है अंदर से घूम अंदर जो चल रहा है कभी शेयर नहीं करना बच्चों के साथ सो एंड में फिर यही हुआ कि जब वो अपने डायग्नोज करवाया तो वो सेकेंड या थर्ड स्टेज पर थी देन कैन बी क्योर्ड और या आई थिंक थेरेपी अब कॉन्स्टेंटली करती आई हैं काफी अर्से से कर रही हैं एंड इट हेल्प यू टू समस्टेंट आई वुड से बट आई थिंक मेरी थेरेपी सबसे अच्छी है मेरे घर वालों ने की बिकॉज uh, मेरा खानदान बहुत पढ़ा लिखा है पहली बात प्रॉब्लम एक मेरी ये है ठीक है <laughs> मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मेरा घर मेरा ख़ानदान में बहुत पढ़े लिखे हैं मैं आपको पढ़ाई से डॉक्टर इंजीनियर्स ये, ये वो तो... इससे कम कोई है नहीं okay. ठीक है ना और मैंने किया है फिल्म एंड टेलीविजन मैं uh -huh. हूँ बिल्कुल आर्ट्स की बनी ठीक है तो प्रॉब्लम ये कि वो बहुत समझदार है मेरे घर वाले और सारे बड़े भी हैं मेरे से ठीक है ना कोमल भी मतलब जो मेरी बड़ी बहन है सबसे बड़ी नहीं है कोमल वो भी मेरे से पाँच साल बड़ी है ओके तो so गैप काफी, काफी अब आप बाकी जो मेरे बहन भाई उनका एज गैप अंदाजा लगा लें मेरे से बड़े हैं सो आई थिंक मुझे इतनी हेल्प थेरेपी से नहीं हुई बिकॉज दे पुट यू ऑन एंटी डिप्रेशन और मैं दवाइयों से भागना चाह रही थी मैंने कहा मुझे मुझे <laughs> दवाइयां नहीं खानी प्लीज़ बिकॉज okay. मैं नम हो जाती थी बिल्कुल <laughs>